बजट 2024 का जो सेकेंड पार्ट है वो 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और उस बजट में कई सारे मेजर चेंजेस हुए हैं और ये मेजर चेंजेस जो है वो आपके इनकम टैक्स से, TDS से और GST से रिलेटेड है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन से मेजर चेंजेस है जो कि आपके बजट 2024 जो है उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं और जो कि आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो फर्स्ट जो मेजर चेंजेस हुआ है वो है आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रेट में। जहां पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 से गवर्नमेंट को 15 की जगह 20% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 15 से 20% की रेट इंक्रीज हुई, यानी कि जो 5% की रेट इंक्रीज हुई है, इससे काफी टैक्स पेयर जो है उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि अब उनको 15 की जगह 20% से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड चेंजेस जो है वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट में हुआ है। पहले अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो वहां पे आपको 10% से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 10% की जगह 12.5% से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें किया गया है। पहले ये लिमिट जो थी वो 1,00,000 रुपए की थी, जिसको बजट 2024 में बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और यदि वो 1,25,000 रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है वो आपके गोल्ड बॉन्ड और डिबेंचर्स के होल्डिंग पीरियड जो है उसमें किया गया है। पहले यदि आप गोल्ड बॉन्ड या डिबेंचर्स जो है उसको 36 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखते थे और फिर सेल करते थे तो उस पे जो आपको प्रॉफिट होता था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता था, और उससे कम पीरियड के लिए अगर आप होल्ड करते थे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता था। अब ये जो 36 महीने की टाइम लिमिट है उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 24 महीने कर दी है। अब आप अगर 24 मंथ्स तक भी होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद अगर सेल करते हैं और उस पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और यदि आप 24 महीने से कम होल्ड करते हैं तो उस केस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने बजट में वो किया है कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 से हटा दिया है। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे और उस पर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो आप सेक्शन 112 में इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो थे वो ले सकते थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% से टैक्स का आपको पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन जो है उसका बेनिफिट हटा दिया है और आपको अब 20% की जगह गवर्नमेंट को 12.5% से टैक्स जो है उसका पेमेंट करना है। यानी कि अब आपकी जो टैक्स रेट है वो 20% से घटा के 12.5% कर दी है, लेकिन साथ में आपको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है वो आपके STT ऑन फ्यूचर रेट जो है उसमें किया गया है। तो यदि आप भी शेयर मार्केट में डील करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पहले ये रेट जो थी फ्यूचर के केस में वो 0.0125% थी, जिसको गवर्नमेंट ने बजट 2024 में इंक्रीज करके 0.02% कर दी है। नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है वो आपके STT ऑन फ्यूचर रेट जो है उसमें किया गया है। तो बजट 2024 से पहले ये रेट जो थी वो 0.0625% थी, जिसको बजट 2024 में इंक्रीज करके 0.01% कर दिया है। नेक्स्ट जो मेजर चेंज गवर्नमेंट ने किया है वो किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो जहां पहले आपको 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, उस लिमिट को गवर्नमेंट ने बजट 2024 में इंक्रीज करके 75,000 रुपए कर दिया है। तो ये सैलरी एम्प्लॉयड जो है उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है, यानी कि अगर आपकी 75,000 रुपए तक की सैलरी है तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है वो आपकी फैमिली पेंशन की जो लिमिट है उसमें किया गया है। जहां पहले आप 15,000 रुपए तक की फैमिली पेंशन की डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, उस लिमिट को बजट 2024 में इंक्रीज करके 25,000 कर दिया है। यानी कि अब अगर आपको 25,000 रुपए तक की अगर कोई फैमिली पेंशन मिल रही है तो आप उसकी डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है बजट में वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट है उसमें किया गया है। यानी कि 0 से 3 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, 3 लाख से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% से गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, 7 से 10 लाख की इनकम पर आपको 10% से करना है, 10 से 12 लाख की इनकम पर आपको 15% से करना है, 12 से 15 तक की इनकम पर 20% से करना है, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है।
नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से अगर कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो इनकम जो है वो अब आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शो नहीं होगी, उसको आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है उसमें शो करना है। तो ये मेजर चेंजेस है जो कि आपके बजट 2024 जो है उसमें इनकम टैक्स में किए गए हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।